DRDO सेप्टम 10 स्टोरेज सिस्टम में मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो है टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं, मैंने आपको जुलाई में बताया था, नोटिस भी आ गया है। दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने ज़्यादा वर्ड्स आप टाइप करोगे, और इंग्लिश वालों के लिए मैं आपको बता दूँ स्टोर असिस्टेंट में 370 वर्ड का आपका पूरा पैसेज आएगा, और लास्ट टाइम जब आप एग्जिट करोगे तो वहाँ की स्टोक्स दिखाएगा कितने की स्टोक्स मारे हैं, ठीक है। और की स्टोक्स में आपका बैक स्पेस भी काउंट होगा, लेकिन बैक स्पेस का कोई भी निगेटिव मार्किंग वगैरह आपकी नहीं ली जाएगी, तो वेरी कर सकता है, किसी किसी का ज़्यादा किसी किसी का कम करेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए ये रहता है कि मिस्टेक्स जो आपकी 10% आपकी माफ़ वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगी। होता क्या है ना कि जितने ज़्यादा वर्ड टाइप करोगे, मान लो आपने टाइप किया 360 वर्ड के 10% निकाला तो 36 मिस्टेक्स जो है वो आपकी माफ़ करी जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में रखना है, जो 36 मिस्टेक्स आपकी माफ़ हो रही हैं उसके बाद जो आपका नेट स्पीड जो आपका आनी चाहिए ना 36 मिस्टेक्स हटाने के बाद, वो 35 वर्ड पर मिनट हर हाल में आनी चाहिए, क्योंकि नेट स्पीड से ही आपका जो पासिंग का जो क्वालिफाइंग का जो कैलकुलेशन है वो आपका किया जाएगा। दिमाग में रखो, आप गलतियां कम करो, वर्ड्स ज्यादा लिखने की कोशिश करो, तभी आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर पाओगे।